हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल चेंज लाइफ विद रचना। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है किचन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये किचन मेरे सिस्टर इन लॉ का है। उसने इस किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर एक स्टैंड इसने परचेज किया है, जो कि लोकल मार्केट से ही परचेज किया है। और अगर आपके किचन में कोई शेल्फ वगैरह नहीं है, तो आप इस तरीके के स्टील रैक को परचेज कर सकते हैं। काउंटर टॉप के ऊपर यहाँ पर स्पाइसेस कैसरोल रखा हुआ है, यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर है, और यहाँ पर दो स्पैचुला होल्डर रखे हुए हैं। यहाँ पर गैस स्टोव है, और उसके जस्ट पास में ही आटे एंड शुगर के आटे एंड चावल के कंटेनर रखे हुए हैं। उसके ऊपर वाली सेल्फ में बर्तन ऑर्गेनाइज है, और जस्ट ऊपर वाली रैक में जितने भी पल्सेस, स्पाइसेस और हमारे जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की हुई हैं। किचन के जस्ट ऊपर वाला जो रैक है, वहाँ पर वो चीज़ें रखी हुई हैं जो कभी कभी यूज होती हैं। किचन के एंट्रेंस में ही फ्रिज रखा हुआ है, और उसके ऊपर जितनी भी दवाइयां हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज है, और इस बास्केट में डेली यूज में काम आने वाली छोटी बड़ी चीजें ऑर्गेनाइज है। ये सिंक एरिया है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है, और उसके ऊपर यहाँ पर स्क्रू लगाकर जितने भी स्पैचुला और कुकर की लिड है वो यहाँ पर हैंग की हुई है। शेल्फ के नीचे जितने भी छोटे मोटे बर्तन हैं एक्स्ट्रा, और सिलेंडर और एक दो चीज़ें, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की हुई है। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।